एक्चुअली एक शरबत नहीं है, एक कह लो कि एक लीवर दी मेन खुराक है। लीवर दी जे दो बोतला बंदा महीने 40 दिन दे विच दो बोतला पी ले ते लीवर फैटी बिल्कुल ग्रेड टू तक लीवर फैटी ठीक हो जाता है। जिवें कश्मीरी केसर है, देखो असी कोई भी चीज जी ना इधर केसर कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। इधर केसर ये साढ़े कुछ खास मतलब फ्रेंड ने हर चीज नू असी लभन ते बहुत टाइम लगाया है। इन्ना केसर असी देखो ये लगभग 1 ग्राम केसर है जो देखो मैं तुहानू केसर खा के दिखा दिना। तेरा रेट की है भाजी? शरबत नहीं है, एक कह लो कि एक लीवर दी मेन खुराक है। लीवर दी ठीक है। एक मिनट तुसीं मेरी दुकान ते झाती मार के देखो, देखो प्रोडक्ट्स बहुत सारे ने मेरी दुकान के उत्ते, बहुत चीज़ा ने, पर असी सिर्फ इस चीज़ बारे ही दसते हैं। इस बारे तो दसते हैं कि यह बहुत मेहनत ना चीज़ बनाई हुई है। ये लगभग असी 15 से 16 तरह के अर्क पा दिते हुए हैं। अर्क जड़े ने वो एक एक बूंद निकलते हैं और ये 70 से 80% शुगर फ्री शरबत है। इन असी जो मिठा है वह तवे की मिश्री यूज़ करते हैं। तवे की मिश्री यूज़ करके फिर उनके जामुन दियाँ गुड़मार दियाँ काफ़ी तरह दड़ा होंगे ने जिड़ियाँ पा के सारिया जो मिठे का असर खत्म करते हैं असी। फिर ये तवे की मिश्री बनता है, फिर ये सुक्का आलू बुखारा ड्राई आलू बुखारा हों काशनी होंगी इमली होंगी अनारदाना हों फिर अपना पुनरवा दड़ा होंदिया ने अपनी आमला हों त्रिफला हों काफ़ी तरह दीज़ा ने शरबत और यही मतलब जे असी पीना शुरू कर दिए जो मान लो स्टार्ट कोई कलर सेंस कोई इदा चीज़ नहीं है। देखो जिमें इन पानी देखो सारा पानी ले लेना असी ते थोड़ी जी जगह स्पेस आ थोड़ी जगह के उत्ते बस शरबत पा देना। देखो इन्ना कुछ जिन्ना शरबत पाना असी अंदाजे ना शरबत पाना की कोई अंदाजे ना नहीं कोई एड्डी वड्डी गल नहीं थोड़ा वध पै जे घट पै जा। देखो इन इदा पूरी एक एक चटनी टाइप का शरबत आने इदा बस घोल लेना टेस्ट भी एरा बहुत ज्यादा टेस्ट आ बहुत ज्यादा। ये भाजी तुसीं पी के देखो बहुत ही ऑसम टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है। पूरा आलू बुखारे का टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रख दे भैया से यहाँ पे पूरा फिनिश करके जाऊंगा। तो बाकी इंदे विच जो ये शरबत है इस विच कोई असी ज्यादा कमाई भी नहीं रखी हुई। इहदे विच जो ड्राई आलू बुखारा सुक्का आलू बुखारा आइटम दे रेट उहदा बहुत ज्यादा हो गया आ। शायद असी ये साढ़े वालों एक गिफ्टी कह लो कि साढ़े वालों 5-10 रुपये साढ़े हाथों ही पेंदे ने दुकान तो पेंदे ने असी इहदे विच कमाई भी नहीं ज्यादा करते ठीक है। बाकी इहनू जे दो बोतलां बंदा महीने 40 दिन दे विच दो बोतलां पी ले तो लीवर फैटी बिल्कुल ग्रेड टू तक लीवर फैटी ठीक हो जाता है। जो बंदा कोई इस दुकान ते इहनू खरीदन आएगा इत्थे खलोते खलोते 8-10 बंदे जिहड़े फीडबैक जिहड़े मिल जाणगे तुहानूं उन्हां नूं पुछ सकदे हो तुसीं कि इह चीज़ किवें दी है। बाकी साडा दूसरा साडा चवन ब्रश जो ये चवन ब्रश भी 12 महीने खा सकदे हैं। ये 12 महीने खाण वाली चीज़ां ने ये बदाम रोगन च बनता है। बदाम रोगन कद्दू रोगन खसखास रोगन चारे मगज बदाम दे गिरियां खसखास अंजीर इहदा बेस है। जिवें कह लो कि 70-80 इस भी आइटमां ने सारी चांदी का चूरा वगैरह हर एक चीज़ के पई हुई है। जो कली चांदी कई नहीं है चांदी सोना सब कुछ ये पिया है। एक चांदी वाला चवन ब्रश एक सोने वाला चवन ब्रश है। चांदी वाला चवन ब्रश 1500 रुपये किलो है, सोने वाला चवन ब्रश 3000 रुपये किलो है। सोना चांदी दोनों चीज़ा वे पईं ने। तो बाकी जी साड़िया असी ये चीज़ कहे कि जो जिन्या भी साड़ी आयुर्वेदिक चीज़ा होंगे ने उनका खाने नाल कोई नुकसान नहीं होंदा किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होंदा। हाँ असी उन्हां दी गरंटी नहीं लै सकते जो आयुर्वेदिक दे विच एलोपैथिक मिक्स करके दिंदे ने असी उन्हां दी नहीं गरंटी लै सकते। साडी दवाई नूं किसी भी साडा शरबत भी है इहदे विच भी कोई कलर सेंस नहीं गा कोई चीज़ नहीं गी ते साडी कोई भी दवाई नूं तुसीं किसी भी तरह की असी चैकअप कर सकते कोई मैडिकल जां उहदे विच कोई एलोपैथिक दवाई जां स्टीरॉयड नहीं उहदे विच होएगा। बाकी कोई भी चीज़ जिहड़ी नुकसान नहीं करदी। जे असी असी केसर भी तकर पाने आ ना केसर भी असी कश्मीरी पाने आ जां कोई भी चीज़ असी इह कहांगे जो असी कोई भी चीज़ देनी है और बैलेंस पूरी तरह बराबर होंगे। ये कह लो कि 80-90% दवाई जी ठंडी होंगी है 10% दवाई जी गर्म होंगी है वह भी गर्म इदा की नहीं होंगी। जिमें एक केसर है केसर भी असी कश्मीरी वरती दा ईरानी नहीं वरती दा तुहानू दिखाना वा। देखो भैया जिमें कश्मीरी केसर है, देखो असी कोई भी चीज़ जी ना इधर केसर कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। इधर केसर ये साढ़े कुछ खास मतलब फ्रेंड ने हर चीज़ नूं असी लभन ते बहुत टाइम लगाया है। इन्ना केसर असी देखो ये लगभग 1 ग्राम केसर है जो
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 450 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੇਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੇਸਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਭਈਆ ਨੇ ਅਬ ਕੱਚਾ ਕੇਸਰ ਖਾ ਲਿਆ 80-90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਜ ਵਰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 10% ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਈਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕੇਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸਵਰਨ ਪਸਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾੜ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਏ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨਿਰਨਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।